हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 वेयर व्हेन एंड हाउ। अगर मिडविल पीरियड की बात करें तो मिडविल पीरियड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली मिडविल पीरियड एंड लेट मिडविल पीरियड। तो 600 के बाद, 600 में जब राजा हर्ष की डेथ हुई तो उसके बाद से लेकर 1200 CE तक अर्ली मिडविल पीरियड माना जाता है। इसमें जो डायनेस्टीज आई थी, पाल डायनेस्टी, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, चोलास, राजपूतास, ये सारी डायनेस्टी ने उस टाइम नए नए किंगडम्स आ रहे थे और इन सब ने रूल किया था एक एक करके। उसके बाद 1200 के बाद से हम लेट मिडविल पीरियड बोलते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था या फिर मुगल एम्पायर ने अपना एक्सटेंड किया था। अब ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट, जैसे कि हमने देखा कि हमने मिडविल पीरियड को टू पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली मिडविल पीरियड एंड लेट मिडविल पीरियड। तो जो नई नई डायनेस्टीज उस टाइम आ रही थी, राष्ट्रकूट, पाल डायनेस्टी, चोलस डायनेस्टी, तो ये सारे जब आए थे तो उस पीरियड को हमने कहा अर्ली मिडविल पीरियड। किंग हर्ष की डेथ के बाद उसे कहा अर्ली मिडविल पीरियड। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया या फिर दिल्ली सल्तनत जब आई, अलग अलग उसमें डायनेस्टीज आई दिल्ली सल्तनत में, तो वो जो पीरियड था वो था लेट मिडविल पीरियड। तो अलग अलग पीरियड में हमारा इंडिया अलग अलग नामों से जाने जाने लगा, जैसे भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, ये कई सारे नेम थे जो ओल्ड टाइम में हमारी कंट्री को दिए गए। अब इंडिया, इंडिया जो ग्रीक लोग थे वो इंडस रिवर के किनारे रहने वाले लोगों को, उन लोगों ने इंडिया नाम दिया था, इंडोई रेफर करते थे वो इंडियंस को, इंडोई, द पीपल ऑफ द इंडस, इंडस रिवर के किनारे रहते हैं इसलिए। तो धीरे धीरे उससे हमारा नाम पड़ा इंडिया, ठीक है, इंडियंस बोलते थे वो लोग हमें, तो इंडियंस जहाँ पे रहते हैं वो कंट्री है इंडिया। और ऐसे ही जो इंडस रिवर है उसका नाम हिंदी में हम बोलते हैं सिंधु नदी, तो ये लोग स को ह बोलते थे, तो उससे मतलब सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू बोले जाने लगा और हिंदू से हमारी कंट्री का नेम रख दिया गया हिंदुस्तान। तो इस तरीके से अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम से हमारी कंट्री को उस टाइम जाना जाता था, पुराने पीरियड में अलग अलग नेम पड़े उसके। अब इम्पैक्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑन इंडियन, हमारा जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था कि अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हमारी कंट्री में, तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा है हम इंडियंस पे। देखिए ये दो मैप दिए हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, एक बना था 1154 में और दूसरा मैप है 1720 का। तो इन दोनों मैप में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ये जो सेकंड मैप था, ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो लोग यूज़ करते थे इंडिया तक पहुँचने के लिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। देखिए सब कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है इस मैप में शो किया गया है, तो उससे लेके हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। तो वो लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सेकंड टाइप के मैप का यूज़ करते थे यूरोपियन ट्रेडर्स। तो जो क्रोनोलॉजी है या ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाया है यहाँ के डेवलपमेंट में, इंडियन की हिस्ट्री के डेवलपमेंट में। जैसे कि हमारा ग्रेट हिमालय है नॉर्थ में, तो वो एक बैरियर की तरह काम करता था इन्वेडर्स के लिए, लेकिन कुछ माउंटेन पासेज है जैसे खाइबर है, बोलन है, इन लोगों ने लोगों को अलाउ किया है यहाँ पे आने के लिए, मतलब ट्रेड की वजह से या और भी किसी रीज़न से, नॉर्थ वेस्ट से कुछ लोग यहाँ पे आ सकते थे इन पासेस के थ्रू, इन दर्रों के थ्रू। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारा है, काफ़ी फर्टाइल प्लेन्स है, तो रिवर्स जो वहाँ से फ्लो होती है उसकी वजह से वो प्लेन फर्टाइल बना है, इसी वजह से कई इन्वेडर्स जो हैं वहाँ पे सेटल हो पाए, जो यहाँ पे आए थे इंडिया पुराने टाइम में, तो उनको मतलब वहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा था, एग्रीकल्चर अच्छा होता था, तो वो यहाँ पे आके कई इन्वेडर्स बस गए, ठीक है। और इसी वजह से कई एम्पायर, वो प्लेन की वजह से फर्टाइल प्लेन था इसलिए कई एम्पायर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं, बहुत ज़्यादा फले फूले हैं। अगर साउदर्न रीजन की बात करें तो साउथ में विंध्या रेंजेस या सतपुरा रेंज ऐसे हुए हैं जो एक बैरियर की तरह काम कर रहे थे इन्वेडर्स के लिए, अटैक से रोक रहे थे उनको यहाँ आने से, हमारी कंट्री आने से। और इसी वजह से कुछ रूलर्स ऐसे हुए जिन्होंने अपना यूनिक कल्चर बनाया वहाँ पे, चोलाज या पांड्या जो टेररिस्ट, इनकी काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन थी, काफ़ी सालों तक इन्होंने रूल किया था इन डायनेस्टी ने, इसी वजह से लंबी कोस्ट लाइन उनकी होने की वजह से इनकी नेवी जो थी काफ़ी स्ट्रांग थी और इनका ट्रेड भी बहुत अच्छा रहता था अदर कंट्रीज से। अब देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हुए मिडविल पीरियड के दौरान, तो काफ़ी चेंजेस आए इन्वेडर से हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर फील्ड में मिडविल पीरियड में। क्या था कि जो इन्वेडर्स थे, जब राजा हर्ष की डेथ हो गई थी उसके बाद अनस्टेबिलिटी आ गई थी, मतलब बाकी जो किंग्स थे उनमें आपस में नहीं बनती थी, तो इस वजह से उन लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, इसका फ़ायदा उठाया और यहाँ पे आके वो बस गए। तो मेन जो मतलब वो थे ट्राइब्स थे जो इंडिया पे उस टाइम इन्वेड अटैक कर रहे थे, वो कौन कौन से थे, टर्क, अफगान, पर्शियन, मंगोल्स। इनमें से भी जो टर्क और मंगोल्स थे इन्होंने मतलब ग्रेट इम्पैक्ट डाला इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पे। अब देखिए जो फेमस मुस्लिम इन्वेडर्स या टर्क इन्वेडर्स थे उसमें थे महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी।
और भी काफ़ी सारे टर्क्स थे, तो इन लोगों ने ग्रेट इफेक्ट डाला था हमारी कंट्री पे। इन्होंने क्या किया, मतलब जब इन्होंने अटैक किया तो जो दिल्ली सल्तनत के और किंग्स थे उनको हटा के यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि उस टाइम जैसे हमने कहा कि किंग्स बदल रहे थे, कोई भी लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पा रहा था, कभी कोई कभी कोई इस तरीके से। तो जब ये आए थे, मुगल्स आए थे, तो इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए थे। उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस, जैसे एग्रीकल्चर का काफ़ी एक्सटेंड किया था इन लोगों ने, काफ़ी बढ़ा था उस टाइम एग्रीकल्चर, जिस वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट की कटाई हुई, फॉरेस्ट की कमी हुई। दूसरी चीज़ें, कास्ट या जाति जो है, ये चीज़ें उस टाइम मतलब स्टार्ट हो चुकी थी इन चीज़ों में डिवाइड होना। उसके बाद देखिए, कुछ नए आइडियाज़ भी लेके आए थे ये लोग, जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए, या फिर स्पिनिंग व्हील वीविंग, क्लॉथ्स वीविंग के लिए, ये सारे आइडियाज़ लेके आए थे। सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा था, रीजनलाइजेशन बढ़ रहा था, ये दोनों मतलब उस टाइम इन्फ्लुएंस डाल रहे थे एक दूसरे पर। और भी क्या मेजर डेवलपमेंट हुए थे, तो जैसे ये हुए थे हिंदुइज्म, जैसे कि भक्ति या सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुए, मतलब लोगों में ये मैसेज गया डेवोशन का, लोग पूजा पाठ ये सब स्टार्ट कर दिया था, भगवान में विश्वास रखना, लोगों के प्रति सहिष्णुता रखना, ठीक है, और मतलब भजन कीर्तन ये सब उस टाइम से स्टार्ट हो चुका था। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ मिडविल पीरियड, हम जो मिडविल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडविल पीरियड पढ़ते हैं, तो किन किन सोर्सेज से, क्या क्या ऐसे सोर्स हैं जो हम जान सकते हैं पास्ट को, तो उसमें मेन है आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारे आएंगे एपिग्राफिक एविडेंसेस, न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, बिल्डिंग स्कल्पचर्स, उसके बाद आर्टिस्टिक एविडेंसेस। एपिग्राफिक एविडेंसेस जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह, मतलब जो लिखी हुई रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस जो कॉइन्स वगैरह जो उस टाइम के हैं उससे हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में। फिर उस टाइम की बनती थी, उन सब से देख के पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। या और कुछ आर्टिस्टिक एविडेंसेस जैसे पेंटिंग्स वगैरह जो होती थी उससे हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम कैसा कल्चर था, क्या चीज़ें चलती थी। तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी हम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस या फिर एपिग्राफ्स बोलते हैं, तो उनकी जब स्टडी करेंगे तो उस मैटर को बोलते हैं एपिग्राफी। तो एपिग्राफी जो उस टाइम होती थी, उस टाइम चीज़ें किस पर लिखी जाती थी, तो किसी हार्ड सरफेस पर लिखी जाती थी, रॉक्स वगैरह पे, पिलर्स पे, या जो ब्रिज बॉक्स हैं, भोजपत्र हैं, उन पर लिखे जाते थे। बाद में धीरे धीरे ये इंस्क्रिप्शंस कॉपर प्लेट्स पे भी लिखे जाने लगे। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो उस टाइम के टेम्पल्स के बारे में हमें बताते हैं, या उस टाइम के किंग्स के बारे में बहुत डिटेल जानकारी देते हैं पोएम की फॉर्म्स में, ठीक है, पोएम की फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, तो उससे हम जान सकते हैं पुराने राजा महाराजा के बारे में, या कैसे टेम्पल्स वगैरह होते थे। अब बात करते हैं कॉइन्स की, कॉइन्स की स्टडी करना कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। तो कॉइन्स जो थे उस टाइम के, वो हमें काफ़ी इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उस टाइम के रूलर्स के बारे में, या उन मतलब जिन्होंने इनको इश्यू किया है उनके बारे में, उनके नेम के बारे में काफ़ी डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ज़्यादातर जो कॉइन्स ये हुए हैं, इश्यू हुए हैं, वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हुए हैं, दिल्ली के सुल्तान ने किए हैं, या फिर जो मुगल किंग्स थे उन्होंने किए हैं, या जो चोलर्स रूलर्स थे उन लोगों ने काफ़ी उस टाइम के पे कॉइन्स इश्यू किए थे। अब पेंटिंग्स की बात करें, तो पेंटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइम्स के पेंटिंग्स आप देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, उनके मेथड अलग अलग होते हैं बनाने के लिए, तो उस टाइम के सोशल या पॉलिटिकल लाइफ जो थी उसके बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं जो कॉइन्स हैं उस टाइम के। उसके बाद मोनूमेंट्स या बिल्डिंग्स की बात करें, तो मोनूमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हुए हैं, जैसे अगर टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स, टॉम्स, ये सारे। तो देखिए, उस टाइम के जो मोनूमेंट्स या बिल्डिंग्स थे वो भी हमें पास्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज देते थे, जैसे कि उस टाइम की सोसाइटी कैसे रहती है, या रिलीजन उनका कैसा था, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, उनकी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, ये सब हम उसे देख के बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, डिज़ाइन जो बनाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं ना अलग अलग मोनूमेंट्स वगैरह पे, उससे हम बता सकते हैं, या उन पे जो इमेज बनी होती है उनके थ्रू मतलब जानकारी मिलती है कुछ कुछ। तो कुछ जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली में, ताजमहल है आगरा में, और साउथ के जो काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं, तो वो सब हमें पास्ट की जानकारी देते हैं। इसके बाद देखिए लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज जो लिखी चीज़ें हैं, तो वो भी हमें पास्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये पास्ट को जानने के लिए। अब लिटरेरी सोर्स को भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, इंडिजीनियस सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज।
तो इंडिजीनियस सोर्सेज जो हमारे कंट्री के अंदर ही लिखी गई है। तो उस टाइम के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो बिर्च बाग या लीव्स इन सब पे लिखे जाते थे, बाद में धीरे धीरे ये पेपर्स पे भी लिखे जाने लगे। क्रॉनिकल्स या मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उस टाइम के किंग्स या किंगडम्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं हमें। ये जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है लो उनके बारे में जानने का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम का, या उनकी फैमिली, उनका लाइफस्टाइल कैसा था रूलर्स का, कैसे वो लोग रहते थे, कौन कौन से बैटल उन्होंने फाउट किए हैं, ये इन सारी सब के बारे में हमें बताते हैं जो क्रॉनिकल्स हैं या मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह हैं। और ज़्यादातर जो क्रॉनिकल्स या मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे गए हैं वो तुर्किश या पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जो फेमस ये क्रॉनिकल्स हैं ये अभी हम पढ़ते हैं, ये कौन कौन से हैं, जैसे क्रॉनिकल्स या ऑटोबायोग्राफी या हिस्टोग्राफी उस टाइम पे लिखी गई थी राजाओं की, तो वो हम सब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी लिखी गई है। जैसे राज तरंगिनी लिखा था कलहन ने, कलहन जो थे इन्होंने क्या लिखा है इसमें, तो कश्मीर के किंग के बारे में बताया गया है इसमें पूरा। उसके बाद शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, और ये जो है एक हिस्टोग्राफी है, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तारीख फिरोजशाही ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था, और इसके बाद में इसके अंदर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद तबाकत नसरी ये मिनहाजी सिराज ने लिखा था, और इसमें जो दिल्ली सल्तनत है उस टाइम के जो रूलर हुए थे, स्लेव डायनेस्टी हुई थी, उस डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। महमूद ऑफ गजनी से लेकर बलबन तक के बारे में बताया गया है। उसके बाद अकबर नामा या आईने अकबरी ये अबुल फजल ने लिखा था, और इसमें जो अकबर हैं अकबर की लाइफस्टाइल और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई ने लिखा था, और इसमें जो फेमस रूलर थे पृथ्वीराज चौहान उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। फॉरेन सोर्सेज जो फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ पे आए थे उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी है जो यहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, जो ऑर्डिनरी पीपल साधारण लोग यहाँ पे रहते थे, क्योंकि किंग्स वगैरह के बारे में तो हम जान लेते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी से या बायोग्राफी से, तो वहाँ के जो यहाँ जो ऑर्डिनरी पीपल रहते थे उनके बारे में काफ़ी नॉलेज देते हैं। तो ये कौन कौन से थे फेमस, जैसे अल बरूनी आए थे, ये पर्शियन ट्रेवलर थे। तो ये जब इंडिया आए थे महमूद ऑफ गजनी के टाइम में, मतलब महमूद ऑफ गजनी के साथ ही आए थे ये 11th सेंचुरी में। तो इन्होंने लिखा है तहकीक-ए-हिंद, मतलब इंडिया के बारे में ही इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है इसमें। फिर इब्न बतूता ये मोरक्को के ट्रेवलर थे, वहाँ से आए थे, और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा था अपने ट्रेवलॉग रिहला में। उसके बाद निकोलो डी कोंटी ये एक वेनेटियन ट्रेवलर थे, इन्होंने विजयनगर के किंगडम के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपनी जो वो इन्होंने बुक लिखी है। फिर नेक्स्ट मार्को पोलो आए थे, ये इटालियन एम्बेसडर थे, और जो चाइनीज एम्परर है कुबलई खान उनके कोर्ट में थे ये इंडिया आए थे 1292 में, और इन्होंने जो यहाँ का सोशल कस्टम है, ये ट्रेडिशन है साउथ इंडिया में, उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट अब्दुल रजाक ये एक पर्शियन ट्रेवलर थे और इंडिया आके, और ये जैमोरिन के कोर्ट में कालीकट में रुके थे, केरल में रुके थे ये, और उसके बाद इन्होंने भी विजयनगर किंगडम के बारे में लिखा था ज़्यादातर। सर थॉमस रॉय ये आए थे जहांगीर के टाइम में, ये एम्बेसडर थे ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट के, ठीक है, तो ये जहांगीर के टाइम में आए थे। उसके बाद में डॉल्टे बर्बोसा या फिर डोमिंगो पेज ये पुर्तगीज ट्रेवलर किंग थे, राजा कृष्णदेव राय, उनके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है। तो इस तरीके से हमारा मिडविल पीरियड जो है उस टाइम में रूलर्स चेंज होते रहे थे, और ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में या मिडविल पीरियड के बारे में जान सकते हैं।